हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आप लोगों के लिए आ गया है मेरे पास यहाँ पर एक और प्रोडक्ट विंग्स की तरफ से, विंग्स अल्फा वायरलेस ईयरबड्स। तो आज की इस वीडियो में हम इसे अनबॉक्स करने वाले हैं, देखेंगे कैसे ये ईयरबड्स हैं, क्या क्वालिटी, क्या बेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। और ये अमेजन पर आपको मिल जाते हैं 2599 में। तो देखते हैं क्या इस रेट में आपको ये ईयरबड्स वायरलेस ईयरफोन्स लेने चाहिए या नहीं। सो गाइस, कुछ इस तरह की पैकिंग में ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ मेंशन है विंग्स और यहाँ पर मेंशन है इसका नेम अल्फा, विंग्स अल्फा ईयरबड्स। और इधर कुछ हाइलाइट्स दी गई हैं जो कि मैं आपको सब बताने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर। तो चलिए बॉक्स को जल्दी से खोल लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह का यहाँ पर प्रोडक्ट होने वाला है। तो सबसे ऊपर तो ये हमारा चार्ज पूरा केस रखा है जिसके अंदर ईयरबड्स होने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि आपको इसके अंदर एक टाइप सी केबल मिल रही है। नॉर्मली ईयरबड्स के अंदर जो होता है आपको माइक्रो यूएसबी केबल मिलती है। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जो है ईयर टिप्स आपको मिल जाती हैं, इन हम निकाल लेते हैं। तो दो साइज़ की जो है ईयर टिप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं और नॉर्मली एक साइज़ इसके अंदर होगा। तो तीनों साइज़ की ईयर टिप्स हैं, आप अपने ईयर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट को जो है हम यहाँ पर खोल लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह का होने वाला है। तो ये रहा है यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट और ऊपर की तरफ मेंशन है विंग्स, विंग्स की ब्रांडिंग दी गई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आई होप कैमरा जो है प्रॉपर फोकस कर रहा है। और यहाँ पर रखे हुए हैं ये ईयरबड्स और कुछ सिल्वर टोन में ऊपर से हैं, तो एक बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं। मुझे फर्स्ट इंप्रेशन जो लग रहा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर इन्हें मैं निकाल लेता हूँ। तो अगर हम बात करें कुछ इस तरह का जो है आपको यहाँ पर इन ईयरबड्स का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छा सिल्वर और ब्लैक फिनिश में है, तो डुअल टोन फिनिश में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं इनको जो है कनेक्ट कर लेता हूँ और यूज़ करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कैसी क्वालिटी जो है आपको यहाँ पर मिल रही है। दोस्तों शुरुआत करते हैं इन ईयरबड्स के चार्जिंग केस के साथ। तो यहाँ पर चार्जिंग केस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है। ग्लॉसी फिनिश में मिल जाता है, छोटा सा है, पोर्टेबल है, इजीली आपकी पॉकेट में आ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट पीछे की तरफ देखने को मिल रहा है। और नॉर्मली ईयरबड्स के अंदर जो है आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, इसमें टाइप सी मिला है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो काफ़ी अच्छी बात है। ब्लूटूथ 5 के साथ आता है, तो कनेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम बात कर रहे थे लुक्स की, तो ये जो ईयरबड्स हैं ये डुअल टोन फिनिश में आ जाते हैं। यहाँ पर जो सिल्वर कलर ऊपर से दिया गया है ये मुझे काफ़ी अच्छा और यूनिक लग रहा है, काफ़ी अच्छा लुक दे देता है ईयरबड्स को। और इसकी स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो चार्जिंग केस है ये 400 mAh की बैटरी के साथ आता है, जो कि अंदर रखी हुई ईयरबड्स को 4 बार तक चार्ज कर सकता है। और ये जो ईयरबड्स हैं ये एक बारी में 4 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम दे देती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको प्लेबैक टाइम मिल रहा है वो 15 से 16 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं इसकी साउंड क्वालिटी की, तो अगर हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। म्यूज़िक की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया मिल रही है, चाहे वो वोकल्स हो, बेस जो है आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा पंची नहीं कहूँगा, एक अच्छी नॉर्मल बेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वोकल्स काफ़ी क्लियर हैं, लाउडनेस के मामले में काफ़ी अच्छा है। आप फुल वॉल्यूम पर नहीं सुनेंगे इसको, 70-80% पर सुनेंगे क्योंकि लाउड काफ़ी ज़्यादा है ये। थोड़ी सी जहाँ पर मुझे कमी लगी है वो लगी है कॉलिंग के अंदर। तो यहाँ पर कॉलिंग में मुझे तो आवाज़ काफ़ी सही आ रही है, लेकिन सामने वाले बंदों को जो आवाज़ है वो थोड़ी सी कम आ रही है, तो लाउडनेस का थोड़ा सा इशू लगा। लेकिन नॉइज़ कैंसिलेशन की बात करें तो वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। और ओवरऑल जो इसके प्राइस हैं 2500 रुपये के हिसाब से मेरे हिसाब से काफ़ी सही प्रोडक्ट है, क्योंकि जो नॉर्मली बहुत हाई एंड में ईयरबड्स कहूँगा वो आपको 5000 की रेंज में मिलते हैं। इस रेंज के अंदर ये आपको जो है डिसेंट क्वालिटी दे रहा है। और यहाँ पर जो अच्छी बात मुझे लगी है इन ईयरबड्स की कि ये IPX5 है, नॉर्मली IPX4 होते हैं, तो काफ़ी अच्छी सर्टिफिकेशन है। यानी आप अगर इसे पानी में यूज़ करें, हल्का फुल्का स्वेट चला जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसकी जो फिट है वो काफ़ी अच्छी है। आप रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा जो कंफर्ट है वो आपको मिलेगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कमेंट में कि छोटे से ईयरबड्स होते हैं 2500 के आपने खरीदे हैं और अगर निकल कर गिर गए तो क्या होगा, तो इसकी जो फिट है वो काफ़ी अच्छी है, तो इजीली जो है ये निकल कर नहीं गिरेंगे। और एक और जो खासियत है इन ईयरबड्स की कि ये वॉइस असिस्टेंट के साथ हैं, तो आप सीरी वगैरह यूज़ करते हैं, गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं, उसमें आपको ट्रिपल टैप करना है, आप यूज़ कर सकते हैं। ये टच सेंसर के साथ आते हैं, तो आप इसे टैप करके जो है अपनी कॉल्स वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक्स चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया वॉइस असिस्टेंट जो है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पर सामने की
तरफ एक लाइट दी गई है जो कि जो आपका चार्जिंग स्टेटस है केस का वो पता चल जाएगा। जब आप इसे चार्ज करेंगे लाइट जब ब्लिंक होना बंद हो जाएगी तो नॉर्मली जो है आपको पता चल जाएगा कि ये केस फुल चार्ज हो गया है। और इस केस को 400mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको लगभग 1.5 घंटा लगेगा फुल चार्ज करने के लिए। तो 1.5 घंटा चार्ज करने के बाद आप 16 घंटे तक जो है अच्छी तरह इन ईयरबड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपको ये ईयरबड्स कैसे लगे और क्या आप इन्हें खरीदना चाहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप खरीद सकते हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी सही है इस रेट के अंदर। और ये वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जोर से दबा दीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए कहता हूँ रोज ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें, ऐसे गैजेट्स आपको पसंद है, आपके काम भी हैं। दोस्तों मैं हूँ फहीम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।